मेरा ये ड्रोन प्रोजेक्ट बनाने का सबसे मेन जो मकसद है वो चीज़ों को रीयूज़ करना, मतलब कचरा जो होता है हमारे इर्द गिर्द उसको रीयूज़ करना मेरा सबसे मेन गोल है ये ड्रोन बनाने का। क्योंकि मैं ड्रोन के बारे में बताता चलूँ तो रिसाइकल की हुई चीज़ों से मैंने बनाया है। घर पे आप देख सकते हैं फेंकी हुई चीज़ या दूसरे कहीं पे पड़ी हुई चीज़, हम उस पर गौर नहीं करते और वो वैसे ही वहाँ पर सड़ जाता है। मैंने उसी चीज़ को देख के मैंने ये ड्रोन बनाया। ड्रोन भी मैंने सबसे मेन जो है उसके जो होता है फ्रेम जो है मैंने वो बेम्बो स्टिक से बनाया हुआ है और उस पे प्रोपेलर्स भी हैं। उसके साथ रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है, उसके प्रॉपर लैंडिंग के लिए लगे हुए हैं। मेरा स्टूडेंट मिस्टर जुनेद एक हाईली कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट है। जब एडमिशन लिया यहाँ पे आके मैंने इस तरह जज किया कि इनके पास हिडन टैलेंट था। एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया और इसके अंदर टैलेंटेड कैपेबिलिटीज़ थी इनके अंदर कि ये आगे अच्छा सा बड़ा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे ये आप बना सकते हैं यहाँ पे। जब से एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ था उसने अपने कमरे में देसी साख्त के सामान जमा करता था और बिखेर देता था और उसको सपोर्ट करने के बजाय बल्कि उसको डांट डिबिट पड़ती थी। कभी कभार हमें गुस्सा भी आता था और डांट लेते थे उसको। इसके बावजूद जुनैद ने अपना काम में मसरूफ़ रहा और ड्रोन कॉप्टर बनाने में कामयाब रहा। मैं तमाम वालिदैन को ये भी बताता चलूँ कि जो भी क्रिएटिव माइंड के मालिक होते हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनमें खुदादाद एक सलाहियत होती है। अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती हूँ। मेरे नेक ख्वाहिशात है कि मिस्टर जुनेद के लिए अल्लाह कामयाब करे और आगे जाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले और वहाँ से मैं ग्रेजुएट करके एक मेकाट्रॉनिक इंजीनियर बनूँ।